उत्तराखंड के केदारनाथ में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। इससे भारी तबाही होने की खबरें भी मिल रही हैं। वहीं ग्लेशियर टूटने से अलकनंदा पर बने बांध को भारी नुकसान हुआ है। चमोली में मौजूद तपोवन में ऋषि गंगा के प्रोजेक्ट में कॉपर डैम और जोशीमठ के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटा है। जानकारी है कि ग्लेशियर टूटने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। पानी बढ़ने से एनटीपीसी का पावर हाउस भी तबाह हुआ है। सूचना के बाद मौके पर आईटीबीपी और एसडीआरएफ की आपदा प्रबंधन टीम पहुंची है और राहत बचाव कार्य शुरू किए गए हैं। जिला प्रशासन ने नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद कई जगह पर अलर्ट जारी किया है। नदी किनारे बसे गांवों वालों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया है। इसमें कहा गया कि विष्णु प्रयाग, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश से हरिद्वार तक अलकनंदा के किनारे के लोग इस इलाके में नहीं जाएं। साथ ही प्रशासन ने गंगा किनारे के इलाकों को भी खाली करवाने के निर्देश दिए हैं। एवन टीवी से बातचीत में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सभी विभागों को अलर्ट किया गया है और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के साथ राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने हादसे को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस हादसे में कई मजदूरों के लापता होने की अपुष्ट जानकारी मिल रही है। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर के ढहने से यह हादसा हुआ। केदारनाथ में ग्लेशियर टूटने से यह बड़ा हादसा हुआ और प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। खासतौर पर जो लोग गंगा नदी के किनारे रह रहे हैं, गंगा नदी के किनारे बसे गांव हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है। उनको वहां से दूर जाने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी जानकारी है कि बांध भी टूटा है, उसमें जलस्तर अलकनंदा नदी में जो जलस्तर बढ़ा उसमें उस वक्त वहां पे कई मजदूर भी काम कर रहे थे। तो एक अपुष्ट जानकारी है कि कई मजदूरों के इसमें सूचना है कि मारे जा सकते हैं कई लोग। तो जोशीमठ के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने से हादसा, जोशीमठ के रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने के बाद यह हादसा हुआ और ग्लेशियर टूटने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। इससे अलकनंदा पर बने बांध को भी भारी नुकसान हुआ है और एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम राहत कार्य में जुट चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से राहत कार्य में जुटा हुआ है। कॉपर डैम को भी काफी नुकसान हुआ है। हादसे से धौली गंगा उफान पर आ गई है। अलकनंदा नदी भी विकराल रूप में बह रही है और इस हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, आईटीबीपी की टीम पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। पानी बढ़ने से एनटीपीसी का पावर हाउस तबाह हो चुका है और कई जगह पर अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को जो नदी किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनको वहां से दूर जाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, कह दिया गया है। तो यह हादसा हुआ ग्लेशियर के फटने से। पूरा का पूरा पहाड़ जो बर्फ का पहाड़ था वो अचानक भरभराकर ढह गया और उसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और गंगा नदी के किनारे जो गांव है उनको भी वहां से भी लोगों को दूर जाने के लिए कहा गया है। लोगों को अलर्ट जारी किया गया है कि वो नदी के किनारे नहीं जाएं। हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो ग्लेशियर फटने से ये तबाही का आलम, जोशीमठ के रैणी गांव में ये ग्लेशियर टूटा, उसके बाद ही ये तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से नजर आ रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अम्बरीश सिंह भी जुड़ चुके हैं। अम्बरीश, प्रशासन वहां पहुंच चुका है, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम भी पहुंच चुकी है, अभी ताजा क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, जो अभी ताजा जानकारी वो ये है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि चमोली के लिए निकल चुके हैं और उनकी तरफ से एक मैसेज भी सर्कुलेट कर दिया गया है कि चमोली जिले के जोशीमठ स्थित धौली गंगा नदी के अचानक फैलाव आ गया। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दिए गए हैं। इस आपदा को देखते हुए चमोली जिले और सभी नदियों के किनारे रहने वाले स्थलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा एसडीआरएफ, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम को भी लगा दिया गया। उत्तराखंड सरकार हर परिस्थितियों पर नजर रखी है। सुधांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्लेशियर टूटने के में जो चमोली और उत्तराखंड में खतरा तो है, इसके अलावा श्रीनगर में भी खतरा देखने को मिल सकता है और श्रीनगर में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी गंगा किनारे पड़ने वाले जिलों जैसे बिजनौर, कानपुर, वाराणसी में भी
अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी घटना है और इसको देखते हुए जिस तरीके से SDM हरिद्वार हमने बात की तो उन्होंने भी जो एडवाइजरी जारी की गई है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि फिलहाल जो भी जान माल है उसको बचाने का सबसे पहला प्रयास किया जा रहा है और आशंका जिस तरीके से मजदूरों के बहने की जताई जा रही है उस पर अभी ऑफिशियली कोई भी किसी भी तरीके का बयान नहीं आया, लेकिन एक बड़ी घटना है ग्लेशियर फटने की। तो अभी कितने नुकसान की, क्या आपको ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जब जो नदी का पानी अलकनंदा नदी का पानी के जलस्तर में वृद्धि हुई है, कहां कुछ इस तरह की खबरें कि कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है कहीं पर? बिल्कुल, चमोली और आसपास के जिलों में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है फिलहाल, और चूंकि जो बांध था जिस तरीके से टूटा है वहां पे करीब 100-150 मजदूर आसपास काम कर रहे थे, लेकिन अभी आधिकारिक सूचना नहीं कितने मजदूर इसमें प्रभावित हुए हैं या बही हैं गंगा में, लेकिन जिस तरीके से मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी पहुंच चुके हैं आपदा कंट्रोल रूम में और हालातों का जायजा ले रहे हैं तो थोड़ी देर में हो सकता हमारे समक्ष आंकड़े आ जाएंगे कि कितने दूर इसमें और आसपास के जो भी घूमने वाले पर्यटक थे कितने लोगों के फंसने की संभावना है। फिलहाल 50 के आसपास का ये आंकड़ा है जो कि बढ़ भी सकता है, ताजा जानकारी अभी थोड़ी देर में राहत और जो सरकार जो योजनाएं चल रही थी वहां पर पावर प्रोजेक्ट की अमरीश वहां पर जी जो है वो स्थिति जो है वो कुछ नियंत्रित होती नजर आ रही है, लेकिन जो NDRF की टीमें हैं उन्होंने पूरे आसपास बॉर्डर को सीज कर रखा है, किसी भी बाहरी आने जाने व्यक्ति को प्रवेश नहीं है और खतरे को देखते हुए आसपास के प्रदेशों को भी जिस तरीके से हाई अलर्ट पे जारी किया गया है उसको देखते हुए एक बड़ी घटना है। चूंकि हरिद्वार में इस बार कुंभ भी है उत्तराखंड में तो इसको देखते हुए ज्यादा सुरक्षा बरती जा रही है क्योंकि हरिद्वार को भी खासा हाई। तो बिल्कुल अमरीश, कुल मिला के SDRF और ITBP की टीम अब अपने प्रयास में लगी हुई है, प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है और जो हादसा है वो ग्लेशियर के टूटने से यह हादसा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अमरीश सिंह जो बता रहे थे कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर इसमें कोई जनहानि हुई है लोगों की, क्योंकि माना जा रहा था कि वहां मजदूर काम कर रहे थे, वहां पर्यटक भी थे, तो अभी लेकिन इस तरह की कोई खबरें अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं, कोई बयान भी सामने नहीं आया किसी अधिकारी का। लेकिन हाथ अपने आप में एक बड़ी घटना है ये और नदी किनारे लोगों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।